अगला सवाल है फाइव ईयर्स अगो राम वॉज थ्राइज टाइम्स एज ओल्ड एज शाम फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ राम विल बी ओनली ट्वाइज एज ओल्ड एज शाम वट विल बी द प्रेजेंटेज ऑफ राम ठीक है आई थिंक वी हैव डन दिस दिस क्वेश्चन प्रीवियसली शायद हमने सवाल ऑलरेडी करा है पहले तो इसमें करना क्या है ठीक है फाइव ईयर्स अगो आई एव ऑलरेडी टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स कि पाँच साल पहले छः साल पहले दस साल बाद के लिए आप पहले प्रजेंटेज ले लो ठीक है सो प्रजेंट एज ऑफ़ राम एंड शाम आप ले लीजिए ठीक है सो लेट सो लेट प्रेजेंट एजेस प्रेजेंट एजेस में ले लेता हूँ राम को मैं ले लेता हूँ एक्स ईयर्स और शाम को मैं ले लेता हूँ सपोज वाई ईयर्स ठीक है एक्स और वाई ले लिया मैंने तो फाइव ईयर्स अगो फाइव ईयर्स अगो फाइव ईयर्स अगो की कंडीशन तो बाद में लगाऊंगा लेकिन पाँच साल पहले राम विल गोइंग टू बी एक्स माइनस फाइव ठीक है

फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर फोर ईयर्स ठीक है फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर फोर ईयर्स ठीक है चार साल बाद तो आफ्टर फोर ईयर्स पहले मैं राम की एज निकाल लेता हूँ राम विल बी एक्स प्लस फोर कंडीशन है दैट राम राम इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज शाम सो टू इंटू शाम ठीक है राम इज इक्वल टू टू इंटू शाम इसमें वैल्यूज रख देनी है मुझे राम इज ईक्ल टू एक्स प्लस फोर सो राम इज नथिंग बट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टाइस इन टू शाम शाम इज वाई प्लस फोर तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी एक्स प्लस फोर विल गोइंग टू गिव मी टू वाई प्लस एट सो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर ठीक है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर ये दूसरी इक्वेशन आ गई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आपको एक्स uh, निकालना है राम की एज यू टू फाइंड एक्स सिंपल है ठीक है एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस टेन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है दोनों इफ़ यू सॉल्व बोथ द इक्वेश एक्स कैंसिल कर लेते हैं पहले ठीक है तो ये माइनस हो जाएगा साइन इसका प्लस हो जाएगा इसका प्लस हो जाएगा एक्स और एक्स कैंसिल माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई गोइंग टू गिव यू वाई एंड प्लस टेन प्लस फोर विल गोइंग टू गिव यू फोर्टीन वाई फोर्टीन आ गया किसी भी इक्वेशन में रख लो ठीक है तो एक्स माइनस टू वाई माइनस ट्वेंटी एट टू फोर और एक्स जिकोल टू फोर प्लस ट्वेंटी एट एक्स आ गया थर्टी टू ईयर्स ठीक है तो राम की जो एज आ गई राम की जो एज आ गई दैट इज़ नथिंग बट थर्टी टू ईयर्स सो सिंपल ठीक है तो हमेशा याद फैक्ट ऑलवेज़ ठीक कि बिफोर अप्लाइंग द कंडीशन पहले एज कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है